हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी 108 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जून टर्म एंड एग्जाम के लिए। तो इनके अलावा जितने भी अभी तक वीडियोस हैं और कुछ इसमें से होंगी जो टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं जो इसमें बताए जाएंगे वीडियो में, और कुछ आप अपनी तरफ से भी कवर कर सकते हैं। अभी तो आपके पास है 1.5 महीना, तो इसलिए तैयारी में लग जाओ अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो ब्लॉक वन, अब मैंने इसमें ब्लॉक वाइज बताया, यूनिट वाइज क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुली बाबा की बुक है, इग्नू की बुक्स नहीं है। तो इसमें ना ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो है वो एक साथ ही, मतलब 1, 2, 3 यूनिट को एक चैप्टर बना रखा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग के पास इग्नू की बुक्स है या नीरज या गुली बाबा, जिससे भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, देख लेना। ठीक है, तो ब्लॉक वाइज बताया, ब्लॉक वन में आपकी 3 यूनिट है जिसमें आपको ये 8 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, जिसमें है आपका रोल ऑफ स्टेट इन मार्केट पॉवर्टी, उसके टाइप्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट क्या है पॉवर्टी का, मेजर एग्जाम क्या पॉवर्टी के जो अमर्त्य सेन ने बताए हैं, इनइक्वालिटी और उसके मेजर्स, मार्केट फेलियर एनवायरमेंटल गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आईपैड और काया आइडेंटिटीज, और ब्लॉक 2 और 3 कंप्लीट करनी है आपको, क्योंकि एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर से जरूर जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये 2 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है अच्छे से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपके देखेंगे हेल्थ और एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आया। अब ब्लॉक 4 में आपकी 3 यूनिट है, 10, 11 और 12, जिसमें से ये आपको 8 टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर करने हैं। इनके अलावा अगर आपके पास और टाइम बच जाता है पढ़ने के लिए भाई इनको कवर करने के बाद, तो आप और भी जो है आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लेना। ब्लॉक 5 में आपकी 13, 14, 15 जो 3 यूनिट है इसमें भी, तो ये आपको 12 टॉपिक यहाँ से कवर करने हैं। कुछ टॉपिक इसमें से करा रखे हैं मैंने, कुछ आप करना, बाकी जो है मेरे को जैसे ही टाइम लगेगा मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँ, कि जितने भी टॉपिक्स हैं मैं खुद ही कवर कर दूँ। अब ब्लॉक 6 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, इसमें जो आपकी लास्ट वाली यूनिट में आई थिंक सारे जो है एक्ट वगैरह हैं, कुछ एक्ट तो मैंने करा रखे हैं आप लोगों को, तो शायद आई थिंक 19 में ही बैठेगा, क्योंकि अगर मैं बुक में देख रही हूँ गुली बाबा की बुक में तो उसमें लास्ट में ही है जो एक्ट वगैरह आ रहे हैं, तो शायद जो है 19 वाली यूनिट है उसी में होंगे। लेकिन फिर भी स्किप मत करना 16, 17, 18 को भी, कि भाई पर लेकिन जो लास्ट वाली यूनिट है उसे अच्छे से ज़रूर करना इसमें से। ठीक है, 19 वाली यूनिट को और जो 16 यूनिट है, ये 16 और 19 को अच्छे से कर लेना। जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो 16 और 19 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ना ऐसे नहीं दे रखा कि ये 16 से है, एक ब्लॉक 6 को 6 चैप्टर 6 बना रखा है, तो चारों यूनिट के क्वेश्चन जो है मिक्स हैं। तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है 16 और 19 जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में 19 ही यूनिट है, तो जो लास्ट में है वो एक्ट वाले क्वेश्चन हैं, और जो स्टार्टिंग में अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपके कन्वेंशनल मार्केट के बारे में है, क्वाजी मार्केट के बारे में है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी मैं आप लोगों की हूँ हेल्प करने के लिए आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर कर देना। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।